हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल भूरी बोझ बॉम्ब फूडीज। मैं गार्गी, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। यखनी से हम लोग बहुत सारे आइटम बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया है चिकन यखनी पुलाव। मुझे ये बनाने का बहुत मन था, काफ़ी दिनों से मैं इसे बनाना चाहती थी, तो बना ही लिए। और अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, और अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले ही हम लोग यखनी पुलाव बनाने के लिए बासमती राइस ले लेंगे। मैंने इधर 700 ग्राम्स तक बासमती राइस लिया है। इसे थोड़े देर बाद मैं वाटर में सोक करूँगी। इधर मैंने चिकन ले लिया है, ऐसे कट करके पीसेस देख रहे हैं। 700 ग्राम्स चिकन भी ले लिया है मैंने। अब इधर होल स्पाइसेस लिया है मैंने, गोटा गरम मसाला है इसमें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, गोटा जीरा, गोटा धनिया एंड गोटा सौंफ। और इसमें मैंने एक बड़े प्याज को कट करके ले लिया है, गार्लिक और जिंजर मैंने ले लिया कट करके, और ग्रीन चिलीज ले लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक पैन में मैं चिकन को अच्छे से वॉश करके ऐड करूँगी। सारे चिकन पीसेस मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं 2 बोल वाटर ऐड करूँगी। प्लेन वाटर ऐड करना है आपको, गैस ऑन करना है। अब इसे अच्छे से वाटर में भिगो देना है, अच्छे से वाटर के अंदर ये चिकन रहना चाहिए। अब इसमें मैं जो खड़े मसाले रखे थे हम लोग ने, वो ऐड करूँगी मैं एक एक करके, सौंफ, धनिया, जीरा, तेजपत्ता और गोटा गरम मसाला, सब होल स्पाइसेस ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और इसे अच्छे से मिला देंगे होल स्पाइसेस ऐड करने के बाद। और इसमें मैं जो प्याज, अदरक, लहसुन कट करके रखे थे वो भी ऐड कर दूँगी। अच्छे से सारे खड़े मसाले एडेड हो गए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्सअप करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है एक स्पून के हेल्प से। अच्छे से मिक्सन अप करने के बाद इसे हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पे ढक कर पकाएंगे 15 to 20 minutes। तब तक हम लोग ये चिकन देखिए अभी मीडियम हाई पे ही है, अच्छे से उबाल नहीं आए हैं। इसे थोड़े से और जोर कर देना है। ओहो, नमक देने तो मैं भूल ही गई थी, तो इसमें आप फुल स्पून नमक ऐड कर लीजिएगा। चिकन क्वांटिटी के हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है, आपका कम रहेगा तो आप कम करिएगा। देखिए ये अच्छे से बॉयल हो रहा है, 10-12 मिनट्स हुआ है इसे बॉयल करते हुए। इसे मैं और थोड़ी देर बॉयल करूँगी, लेकिन उसके आगे इसे एक बार हिला दूँगी अच्छे से। देखिए इसमें अच्छे से बॉयल उबाल आ रहा है, तो इसे मैं ढक दूंगी, ढक के अच्छे से लीड क्लोज करके पकाऊंगी। चिकन को अच्छे से बॉयल होने देना है स्पाइसेस के साथ। ग्रीन चिलीज बाद में काम आएंगे। मैंने बासमती राइस सोक कर लिया है वाटर में, 15 to 20 मिनट्स हो गया इसे सोक करते हुए। चिकन हम लोग का बॉयल हो गया है कि नहीं देखते हैं। थोड़ी देर और इसे हम ढक कर पकाएंगे 15 to 20 मिनट्स। उतने ही में मैंने 2 बड़े अनियन स्लाइस कट करके ले लिए हैं। ये अनियन हम लोग को काम आएगा बाद में, इसे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है, और इसकी यूजेस भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में रहिए वीडियो का, देखते जाइएगा। चिकन बॉयल हो चुका है अच्छे से। अब चिकन को छन के निकाल लेंगे विदाउट एनी वाटर और विदाउट एनी खड़े मसाले। चिकन को देखिए मैंने निकाल लिया है अच्छे से। अब जो ये चिकन स्टॉक है, ये हम लोग एक स्ट्रेनर में छन के निकाल लेंगे। इसके होल स्पाइसेस हमें नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इसका वाटर चाहिए। ऐसे इसी तरह इसको छन के निकाल लेना है अच्छे से। अच्छे से छन के निकाल लिए हैं हम। दिस इज कॉल्ड यखनी। हम लोग पुलाव में इसे वाटर के इंस्टेड हम लोग ये यूज़ करेंगे, यखनी। एंड इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छे से उभर आएगा, चिकन यखनी पुलाव का। इससे हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं यखनी से, लेकिन मैं इसे चावल में यूज़ करूँगी। अब मैंने एक एलुमिनियम का हंडी ले लिया है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। मैं इसमें 150 ग्राम्स तक ऑयल, 150 ग्राम्स ऑयल यूज़ करूँगी, क्योंकि 700 ग्राम चावल लिया है मैंने। ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया।
अब जो स्लाइस्ड कट अनियंस थे उसे इसमें ऐड करेंगे और उससे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। स्लाइस्ड कट अनियंस मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है जैसे ये जले ना। देखिए ये फ्राई हो रहा है आस्ते आस्ते, ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया है, गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है इसे हमें। इधर दही यूज़ होगा इसमें यखनी पुलाव में, तो मैंने दही ले लिया है, इतना दही नहीं, 3-4 टेबलस्पून मैं दही यूज़ करूँगी। प्याज मेरे अच्छे से फ्राइड हो रहे हैं और थोड़ी देर फ्राई होने से प्याज हो जाएगा फ्राई, वी आर नियर अबाउट। प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है तो इसमें से मैं हाफ प्याज निकाल के रख दूँगी, बाद में काम आएगा। अब जो बाकी हाफ प्याज है उसमें मैं 1 स्पून बटर ऐड करूँगी और खड़े गरम मसाले, गोटा गरम मसाले इसमें भी ऐड करूँगी, करके इसे थोड़ी देर भूनूंगी लो फ्लेम पे भूनना है। अब इसमें मैं जो चिकन बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी और अब मीडियम हाई फ्लेम में इसे अच्छे से बॉईल करना है, इसे अच्छे से फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम में विद द बटर ऑयल एंड गोल्डन फ्राइड प्याज। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, 2 टेबलस्पून, और इसे भी अच्छे से भूनना है रॉ स्मेल के लिए, अच्छे से ये भी भून लेंगे हाई फ्लेम पे। अब इसमें मैं नटमेग और मेस्क पाउडर, पाउडर नहीं, थोड़े बारीक नहीं है ये, ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़े से दरदरा पीस के इसको देना है। और इसमें मैं अब 3-4 टेबलस्पून फुल स्पून कर्ड ऐड करूँगी, खट्टा दही, और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच शुगर। शुगर आप स्किप कर सकते हैं बट ये सही नहीं होगा, शुगर ऐड करने से इसका टेस्ट और अच्छा होगा। तो अच्छे से शुगर, दही और चिकन को अच्छे से मिला लेंगे हम लोग, मिक्स एंड अप कर लेंगे। अच्छे से मिक्स एंड अप हो गया है, हाई फ्लेम पे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसी में मैं 4-5 ग्रीन चिली यूज़ करूँगी, आप अगर इससे ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे और इससे कम खाते हो तो 2 यूज़ करिएगा। ग्रीन चिली देखिए भी अच्छे से ये भून लिया मैंने। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी, जो पानी रखे थे हम लोग बॉयल्ड चिकन का और होल स्पाइसेस का, दैट इज़ कॉल्ड यखनी, तो मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी और यखनी में अच्छे से सब मिला दूँगी। अब इसको थोड़े हाई फ्लेम पे बॉयल होने देना होगा, देखिए अच्छे से बॉयल उबाल आ चुका है इसमें। अब इसमें जो सोक्ड बासमती राइस है वो ऐड करेंगे, सोक्ड बासमती राइस पूरा ऐड कर देना है इसमें, अच्छे से सब विदाउट एनी वाटर ऐड कर देना है इसमें, सोक्ड बासमती राइस अच्छे से छन के। अब सब बासमती राइस ऐड कर दिया है मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स एंड अप कर लेंगे यखनी के साथ और चिकन के साथ। अच्छे से मिक्स एंड अप हो चुका है, अब मैं इसे लीड क्लोज करके 15-20 मिनट्स मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। देख रहे हैं अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है प्रोसेसिंग, तो पानी है इसमें भी, यखनी है अभी भी इसमें, थोड़े देर बाद और फिर देखेंगे। इसे हम लोग को ढक ढक के बार बार देख चेक करके पकाना है, बार बार खोल के पकाना है। देखिए अब ऑलमोस्ट हमारी चिकन यखनी पुलाव रेडी है, इसे बार बार ढक के देख देख के चेक करके पकाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, और थोड़े से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, थोड़े से इसमें और चावल और पकेंगे, चावल थोड़े से और, इसे हम लोग थोड़ा और ऊपर नीचे कर देंगे चिकन और चावल को। इसके बाद इसमें मैं 1 स्पून सॉल्ट यूज़ करूँगी और इसे भी अच्छे से मिला के ढक कर पकाएंगे। 1 स्पून ऑयल सॉल्ट मैंने यूज़ कर लिया, अब इसे अच्छे से ढक के पका लिए। अब देखिए चावल अच्छे से पक चुके हैं, लुक एट द कलर, चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हमारे चिकन यखनी पुलाव रेडी हो चुके हैं, अब इसमें मैं जो फ्राइड अनियन रखी थी हाफ वो ऐड कर दूंगी, ये लास्ट स्टेप है गार्निशिंग का, वो फ्राइड अनियंस ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
फ्राइड अनियंस ऐड करने से। अब इसमें मैं थोड़े से घी ऐड करूँगी, 3 से 4 स्पून मैं घी ऐड करूँगी। आप अपनी क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब फाइनली हमारी चिकन यखनी पुलाव रेडी है। अब इसे मैं थोड़े देर तक और ढक के रखूँगी और उसके बाद मैं इसको सैलड के साथ सर्व करूँगी। इसे अच्छे से सर्व कर लीजिएगा। मैं इसे सैलड के साथ ही खाना पसंद करती हूँ एक्चुअली। आप कोई ग्रेवी आइटम के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट एनहेंस नहीं होगा। देख रहे हैं बहुत अच्छे से चावल और चिकन पक गए हैं एंड इट टेस्ट इज रियली 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 गुड। तो प्लीज़ आप भी घर में एक बार ट्राई करिएगा ये चिकन यखनी पुलाव। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है इंस्टाग्राम्स और FB का, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके देन बाय।